West Tripura District Election Officer Nishakthar Mungbai, SPEEP Nokitingi Sangrong Shalo, West Tripura DM Office Complex Buskango Kaisa Pandani Bishinte Kalaizaka Alpana Simung, Pandao Manzaka Chief Electoral Officer Punit Agarwal Te, West Tripura District Ni, Returning Officer Dr. Bishal Kumar Nokhobe Kubun Ozamarok. Buskangi Lok Shoba Chongbari Nokitingi Dalbidal Samung Botan Kalai Tongo Hastani Kuchuk Ozamarok. Aba Haikana West Tripura District Election Officer Nishakthar Mungbai, SPEEP Nokitingi Sangrong Shalo, West Tripura DM and Collector Office Complex Buskang. Kaisa Pandani Bishinti Khalaizaka Alpana Simung. Pandao Manjaka Chief Electoral Officer Punit Agarwal Te, West Tripura District ni Returning Officer Dr. Bishal Kumar Nokhobe Kubun Ozamarok. देखिए कंप्लेंट तो जो कंप्लेंट आएगा उसको जो कंसर्न जिस इलाके का है वहाँ से जो आर ओ हैं ARO हैं अगर कंसर्न किस दफ्तर से रिलेटेड है उसको इंक्वायर करके एक्शन लिया जा रहा है. आपने अगर देखा होगा तो जो भी कंप्लेंट आता है उसका इंक्वायरी होता है और यदि तथ्य सही पाए जाते हैं तो एक्शन होते हैं. अगर आपने देखा होगा कुछ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज वगैरह को अगर पाया गया है किसी पॉलिटिकल इवेंट में इन्वॉल्व हैं तो उसको अगर तथ्य स्थापित हुए हैं कि जब से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आरंभ हुआ है 16 मार्च से तो उसके बाद अगर उनको किसी गतिविधि में पाया गया है तो प्रमाण मिले हैं तो उनको सस्पेंड किया गया और उसके बाद कंसर्न जो दफ्तर के कर्मचारी हैं वहाँ से उनका फर्दर प्रोसीडिंग वगैरह जो होगा वो होगा. बाकी और जो आपका मॉडल कोड ऑफ वायलेशन का भी अगर होता है अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी कैंडिडेट्स अगर कंप्लेंट देते हैं तो उसको भी वेरिफिकेशन होता है. आप देखेंगे कि अगर कहीं कुछ लगा है तो वो फिर उसको हटाया जाता है उसको उनको भी वॉर्न किया जाता है आगे ना हो. तो ये तो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है. यदि कोई अगर देखते हैं कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन हो रहा है तो उसके अगेंस्ट एक्शन लिया जाता है. लेकिन जो करने वाले हैं अगर वो दोबारा करते हैं तो उनको तो करने से रोकने के लिए यही है कि जब हम एक्शन लेते हैं तो उससे एक डिटरेंट इफेक्ट में वो लोग ना करें. लेकिन अगर वो भी अगर कोई कर रहा है तो उसके ऊपर फर्दर तो जो पनिटिव एक्शन है जो उसके करेक्टिव एक्शन है वही लिया जाएगा तो वो किया जाएगा. सर कितने कितने, कितने लोग विरुद्ध एक्शन ले गए अभी कोई? देखिए मतलब 5 तो आपके गवर्नमेंट एम्प्लॉयज सस्पेंड हो चुके हैं टोटल. और जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है जो वैसे पॉलिटिकल एक्टिविटी में कुछ अगर कहीं कोई वायलेशन होता है उसके अगेंस्ट में अगर कहीं कोई प्रचार के मटेरियल में कुछ होता है तो उसका भी एक्शन लिया जा रहा है. वो आप न्यूज़ में एक्चुअली आप लोग न्यूज़ में जो एक्शन लिया गया वो रिपोर्टिंग कम होती है. आप दोनों पक्ष की बात रखें इसलिए तो लोगों को सही स्थिति पता लगेगी. आपने बताया अगर आप देखें किसी न्यूज़पेपर में कुछ बताया कि ऐसा हो रहा है तो इमिडिएटली वहाँ पर कंसर्न आर ओ ऑफिस से मेट्रो को इंक्वायर किया जाता है चाहे वो त्रिपुरा 1 वेस्ट हो या त्रिपुरा 2 ईस्ट हो और जो पक्ष है उनको भी सुना जाता है. प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस की जस्टिस उनसे पूछा जाता है उन्होंने जो किया है उनको क्या सोच के उन्होंने किया और वो तथ्य देख के बाकी और जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस उसको देख के उसमें निर्णय लिया जाता है. वो निर्णय लेकिन कई बार देखा जाता है वो पत्रिका में नहीं आता है और जिस कारण ऐसा लगता है कोई एक्शन नहीं हो रहा. तो हमारी आपसे यही अब निवेदन रहेगा कि आप दोनों पक्ष की बात दिखाएं. सर 16 तारीख से आज तक 16 मार्च से आज तक कितना कंप्लेन आप लोगों का कमीशन के यहाँ पर जमा हुआ है? नहीं कंप्लेन तो देखिए वो उसके तो कई तरीके हैं. सी विजिल के थ्रू भी है आपका नेशनल ग्रीवांस सर्विस पोर्टल है अपना फिजिकल कॉपीज भी आती हैं तो उसका अभी एकदम संख्या तो हम नहीं बता पाएंगे लेकिन करीब अगर MCC वायलेशन करीब 14-15 हमारे पास आया है जिसका हम लोग इलेक्शन कमीशन को भी जवाब देते रहते हैं. इलेक्शन कमीशन भी हमसे पूछता है कि जो हुआ है रिपोर्ट आया है पत्रिका वगैरह में आया है उसके क्या है. तो जैसे हम लोग पत्रिका में देखते हैं हम उसका फॉर्मल कंप्लेंट का भी वेट नहीं करते. अगर हमें दिखता है कहीं से भी कोई खबर आती है फ़ोन पे आए चाहे पत्रिका में आए चाहे किसी सिटीजन के थ्रू सी विजिल के थ्रू आए तो इमिडिएटली हम उसको इंक्वायर करते हैं और एक्शन लेते हैं. तो ये लगातार चलता रहेगा. इस प्रक्रिया में आप लोग हमारा साथ दें और सही तथ्य को लेके आए और तथ्य को प्रमाण के साथ था बहुत सारे तो वो और सहायता करें. बहुत सारे हम लोगों ने देख आप बोल रहे हैं बात ठीक है. जब जिसको चुनाव का प्रचार का जो समय दिया गया है जिस जगह पे इसके लिए तो आप सभी जानते हैं उसके लिए परमिशन लेना पड़ता है. तो हर कैंडिडेट अगर किसी जगह चुनाव के लिए उसने प्रचार के लिए समय लिया है तो वहाँ पर कोई और कैंडिडेट को उसमें कोई बाधा नहीं करना है. ये रूल पोजीशन तो क्लियर है उसमें कोई डाउट नहीं है. जब उसको देखा जाता है तो इमीडिएटली उसको बंद कराया जाता है और उसको आगे के लिए भी सचेत किया जाता है आगे ना हो. लेकिन करने वाले को
खुद सोचना है कि अगर वो कर रहे हैं तो गलत है, और अगर करने पे उनके विरुद्ध कार्यवाही हो तो यही कार्रवाई लेके ही आगे आप इस चीज़ को रोक सकते हैं। और सर इस बार जो आप लोग कुछ एक्शन लोगे, पहले का तो क्या है उसको तो हम उस पर कुछ कहना नहीं चाहेंगे, लेकिन हर मतदाता को पता है कि उसका वोट है, उस मतदाता को वोट अगर उसका इलेक्ट्रल रोल में नाम है तो वो उस दिन अपने एपिक कार्ड के साथ, या एपिक कार्ड नहीं है तो और 11 अलग अलग डॉक्यूमेंट है उनको लेके अगर वहाँ पे जाएंगे तो वहाँ पे उनको मतदान में एंट्री मिलेगी और वहाँ पे वो अपना मतदान शांतिपूर्ण ढंग से कर पाएंगे। कोई और मतदाता बन के अगर जाने का प्रयास भी करेगा तो वो संभव नहीं है, उसके लिए अलग अलग जो डॉक्यूमेंट्स है उसके बेसिस पे उसको वेरीफाई किया जाता है, और वहाँ पे इवन प्रिसाइडिंग ऑफिसर, पोलिंग ऑफिसर, उनको भी अगर कोई डाउट होता है तो वो भी उनको चैलेंज कर सकते हैं और उनसे और प्रमाण मांग सकते हैं कि आप अपना प्रमाण दें। तो इसके लिए एक विस्तृत प्रोसेस है जिसके थ्रू ये इंश्योर किया जाता है कि जो मतदाता है वो अपने ही इलेक्ट्रल मतलब पोलिंग स्टेशन में जाए और वहाँ पे वोट दे। और बाकी जैसे आपने बोला किसी को अगर अटकाया जाता है तो आप वो खबर फोटो के साथ, उन जो कौन रोक रहा है उन फोटो के साथ आप उस दिन भेजिए। उस दिन सारी टीम, जैसे आप बता रहे हैं आप लोग अगर मीडिया उस दिन पोलिंग डे में कवर कर रहे हैं तो साथ ही साथ वहाँ आप देखेंगे सिक्योरिटी फोर्सेज का मूवमेंट भी दिखेगा आपको, तो उन सिक्योरिटी फोर्सेज जो आपके पास क्रॉस करें उनको जाके बताइए, और साथ ही साथ आपने जो अगर रिकॉर्डिंग की है दिखाइए, देखिए ये इतने बजे का इस लोकेशन पे, देखिए ये पर्सन को यहाँ पे ये कुछ लोग रोक रहे हैं। अगर वो प्रमाण दिख जाएगा तो उसको कोई झुठला नहीं सकता, उसके ऊपर भी कार्रवाई होनी पक्की है। कितना फोर्स आया है अब तक? देखिए सेंट्रल आर्म पैरामिलिट्री फोर्सेज 84 कंपनीज आ गई हैं, आपने देखा वो मतलब पहली अप्रैल से फेजेज में आई हैं और अब सब आ गई हैं वो 84 कंपनीज जो अलग अलग एरिया में डोमिनेशन कर रही हैं। आपने देखा होगा फ्लैग मार्च हो रहा है, फुट पेट्रोलिंग हो रही है, मोबाइल पेट्रोलिंग हो रही है, कई जगह आपने देखा होगा आर ओ ए आर ओ डी जो आपके SDM हैं, SDPO हैं, वो भी जा रहे हैं और लोगों से बातचीत कर रहे हैं। अगर अभी भी अगर किसी इलाके में आप लोगों को लगता है कि लोग ऐसा बोल रहे हैं, मतलब जो लोग बोल रहे हैं, डेमोक्रेसी क्या है, जो मतदाता है वो क्या सोचता है वो उसको उसके हिसाब से मत दे पाए, इसलिए अगर किसी भी इलाके में वहाँ के जो रहने वाले मतदाता हैं आप पांडानो की तिंगई आशालो नारक जखादाल बिदल रसाब मोंगते मसा मोंगरक रजखर आगुली निशिमी प्रणबनी कक्थम छिनी खरांग।